वॉयज है, काफ़ी लंबा वॉयज था एक्चुअली। हम लोग अप्रैल 29 हम लोग डिपार्चर किया था। आज जो है 25 मई हो गया है। अभी तक डेस्टिनेशन अभी भी हम लोगों ने पहुंचा नहीं है, तो क्रू जो है वहां पे वेट कर रहा है रिसीव करने के लिए। जहाज़ रुका हुआ है एंड अभी आर्म गार्ड वहां पे आएगा। वो देखो अपना तो शिप के चारों तरफ जो है अपना जो रेजर वायर डाला है पूरा चारों तरफ शिप के ऑल अराउंड जो है रेजर वायर हम लोगों ने डाला है। देन 440 का उधर से कनेक्शन भी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन और आप देख रहे हैं शेलिंग वेजिकल वर्ल्ड, अनदर डे लाइफ एट सी। अभी का स्टेटस है कि हम लोग स्वेज कैनाल क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा उस। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं वेरी हाई रिस्क एरिया में, वेरी मतलब HRA एरिया होता है, हाई रिस्क एरिया दैट कम्स अपना जो सोमालिया का आसपास जो एरिया है, हम लोग उधर ट्रांजिट करने वाले हैं। और उधर ट्रांजिट करने के लिए क्या होता है, हम लोग के पास बहुत सारा सिक्योरिटी मेजर्स लेना पड़ता है। बिकॉज अभी थोड़ा तो कम है, पहले जो बहुत ज़्यादा जो है हाईजैकिंग का केस आ रहा था बीच में, लेकिन ना वो थोड़ा सा इधर एरिया में कम हुआ है। बट एनीवे हम लोग जो है अपने तरफ से पूरा मेजर्स जो है लेते हैं, कैसे क्या बचाव किया जाए, खुद को बचाओ इन द सेंस कि वो लोग को हम दे शुड नॉट बोर्ड द वेसल। एक बार वो बोर्ड कर दिया देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो उसके लिए हम लोगों को बचाव करना है। तो अभी हम लोग वो एरिया में इंटर करने वाले हैं। बट उससे इंटर करने से पहले अभी हम लोग आर्म गार्ड यहाँ रिसीव करने वाले हैं, मतलब आर्म गार्ड बोर्ड करने वाला है वेसल पे। तो आर्म गार्ड जो है चार आर्म गार्ड रहेंगे यहाँ पे। सो दे विल बी प्रोटेक्टिंग अस एंड ट्रांजिटिंग थ्रू द HRA एरिया। उसी के लिए अभी हम जो दिख रहा है आगे शायद वो मदर वेसल है, तो हम वहाँ से वो लोग आएगा इधर। थिंक दैट इज़ मदर वेसल और ड्रेजिंग वेसल आई थिंक, कुछ अभी कुछ पता नहीं है। इधर से क्रू दे आर वेटिंग। जो वेसल दिख रहा है आप लोगों को वो वेसल मदर वेसल है। यहाँ से जो है देखो ये रेस्क्यू बोट से वहाँ से आर्म गार्ड है जो हमारे वेसल के लिए अभी बोर्ड करने के लिए लोग आ रहे हैं वहाँ। सी भी थोड़ा रफी है, वो मदर वेसल है वहाँ से कमिंग हुआ। यहाँ क्रू जो है ऑलरेडी देखो क्रू ऑलरेडी वेट कर रहे हैं वो लोग को रिसीव करने के लिए। एंड थोड़ा सी रफ है इसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो रहा है वो लोग को इधर पे आने में। आर्म गार्ड ऑलरेडी बोर्डेड आवर वेसल और वी आर नाउ रेडी टू ट्रांजिट इन HRA। थोड़ा तीन चार दिन टफ रहता है, टफ मतलब अभी नाउ वी हैव आर्म गार्ड सो नॉट एट ऑल टेंशन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आर्म गार्ड नहीं होता है दे अटैक मोस्टली दो शिप, अभी आर्म गार्ड होता है सो दे डोंट अटैक बिकॉज इधर पे तो सब कुछ है, आएगा तो सीधा ठोक देने का। तो इसके लिए एंड जो कुछ साल पहले जो है दिस वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, उस टाइम पे जो इतने सारे शिप हाईजेक हुए हैं, बहुत सारे दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ ऑल्सो सीफेरर। बट नाउ इट्स कंट्रोल्ड क्योंकि जो बाकी की चीज़ें हैं जो हम लोग भी मेजर्स लेना थोड़ा चालू किया है एंड गवर्नमेंट भी जो कुछ थोड़ा एक्टिव हुआ है इस मामले में, बट नॉट वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं बोलूँगा क्योंकि आई हैव फेस्ड
one situation before. So I know that कि क्या होता है. So nothing was there. That's all depend on the company. आपका क्या negotiation चलता है, कितना time लगता है, क्या होता है. It's a very huge process. So now already AMGUARD we have on board. So not tension at all. लोग आराम से easily cross कर जाएगा. So अभी फिर अभी ये लोग आया है, इन लोग का प्रोसीजर है, फिर ड्रिल होएगा. सो दे विल ब्रीफिंग होएगी, क्या करना है, कैसे करना है. दे हैव कोड्स कि इन द सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन क्या करना है, क्या एक्शन है. सो व्हाट इज़ द इंडिविजुअल्स ड्यूटीज़ जो है, क्या है उस टाइम पे. तो सब चीज़ जो है ब्रीफिंग होएगी, फिर ये किया जाएगा. फिर उसके बाद हम लोग जो है ये होगा, फिर एक्स्ट्रा लुकआउट. फिर मैंने आपको दिखाया जो है रेजर वायर जो है पूरे शिप में लगाया है. फुल शिप जो शिप के साइड में पूरा रेजर वायर डाला है. सो सिक्योरिटी गार्ड ऑन बोर्ड आ गया है एंड अभी हम लोगों का ब्रीफिंग भी कंप्लीट हो गया, ब्रीफिंग विथ सिक्योरिटी गार्ड्स. अब गार्ड्स के साथ जो भी क्या उन लोगों का प्रोसीजर है, हाउ दे फॉलो, कैसे दे अप्रोच करता है, इनकेस इमरजेंसी सिचुएशन हुआ तो क्या करने का है. सो एवरीथिंग दे एक्सप्लेन्ड जो कोड वगैरह है, किस सिचुएशन में कौन सा कोड यूज़ करने पर क्या एक्शन लेने का है. सो ऑल एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड, सब कुछ हो गया है. एंड अपने तरफ से भी हम लोग जो है पूरी कोशिश करते हैं कि जितना मेजर्स ले सकते हैं वो मेजर्स लेते हैं हम लोग, क्योंकि यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए. सो इसके लिए बी प्रिपेयर्ड अपने तरफ से. ये जो पीछे मेरे जो पोर्ट होल दिख रहा है, ऐसे जितने शिप पे पोर्ट होल हैं, पोर्ट होल मतलब अगर अपने लैंग्वेज में बोले तो विंडोज़, जिससे कि लाइट बाहर जा सकता है. सो जितने विंडो हैं बाहर बाहर में, वो सब में ब्लैक कर्टन या फिर आप मतलब गार्बेज बैग ऐसा डाल दें, सो दैट कि अगर आपका केबिन में लाइट वगैरह जल रहा है तो लाइट का जो लाइट है वो बाहर नहीं जाए. बाहर अगर मिड सी में बाहर लाइट रहेगा, लाइट का सोर्स रहेगा, सो एनीबडी कैन ट्रैक. सो उससे उन लोगों को पता चलता है कि सम शिप इज़ गोइंग एंड ऑल्सो. इसके लिए हम लोगों को ये भी करना होता है. और मैं पहले भी बताया कि जो भी पूरा शिप जो है, वो पूरा शिप का जो साइड में है वो रिजर्वायर डाला हुआ है. वी टेक मेजर्स फ्रॉम आवर साइड टू बेस्ट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. और बाकी AMGUARD है तो देर इज़ नो रिस्क, अगर नहीं है तो फिर इशू हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है. ये जो विंडो है, विंडो में भी ब्लैक जो है अपना गार्बेज बैग मैं डाल दूंगा. बैग या साहब मतलब इस विंडोज़ में भी हम लोग ब्लैक गार्बेज बैग डाल देते हैं, सो दैट कि लाइट जो है वो बाहर नहीं जाए. इंडिया जाने को है क्योंकि इंडिया में साइनअप है, लोगों को पूरा पब्लिक साइनअप कर रहा है एक्सेप्ट 3 गाइस जो कि मैं भी हूँ. तीन बंदे में मैं भी हूँ, मेरा साइनअप अभी नहीं हो रहा है क्योंकि कैप्टन सर भी जस्ट ज्वाइन किया है और एक है जो अपना 15 ईयर यू पब्लिक विल बी देयर सेम पिक्चर. सो इन दिस मरीन लाइफ एवरी टाइम इज लाइक दैट. सो व्हेन यू थिंक दैट यू सेटल्ड विद सम गाइस, अभी किसी के साथ काम करके थोड़ा सा सेटल हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, देन दैट मोमेंट क्रू चेंज है. तुरंत सब लोग चले जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, फिर उन लोगों के साथ काम करो, बॉन्डिंग बनाओ. सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इतने लोगों के साथ मिलना होता है कि आप पता नहीं कैसा है लोग हैं. एवरीबडी हैव डिफरेंट नेचर राइट.
नीचे में जाएगा। ये टाइम बहुत क्रिटिकल है, सब लोग ऐसा ब्रिज पे ये नेविगेशन कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी है ये चार्ट वगैरह पेपर वगैरह का काम कर सकते हैं। पीछे कर्टन है तो जो भी नेविगेशनल इक्विपमेंट है वो इधर है। बाकी का ये अपना वॉच कीपर है, चलो वॉच कीपर गया, चलो मैं जाता हूँ। फिर उसके बाद विल एचआरए जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल